तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MIUI 12 की। आप में से काफी सारे लोगों ने कहा भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे को लगा कि भाई जनता को नाराज नहीं करना चाहिए और बनानी चाहिए, पहले बाल से ही कर लो। डन। तो अब हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके की MIUI 12 में आपको चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको शॉर्टकट पैनल भी देखने के लिए मिलेगा और ये थीम है बेसिकली MIUI 12 27 अप्रैल को चाइना के अंदर लॉन्च होगी मी 10 लाइट के साथ। तो बधाइयां मी के दो दो बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पर आप इसकी थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइए थीम स्टोर पर, अगर आप Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं वहां पर डालिए UI 12, उसको आप डाउनलोड करिए, अप्लाई करिए। अप्लाई करते ही आप देखेंगे जो आइकन है उसके जो डिजाइन है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स की बात करूँ, कैमरा की बात करूँ, चेक कर सकते हैं। साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल का जो लुक है वो भी भाई बहुत हद तक चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की बात कर ली हमने, अभी आपको एक बात बता देता हूं मैं, आपको जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी अलग देखने के लिए मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। आप इसे भी यूज कर सकते हैं, आपको जाना है थीम स्टोर में, फिर से एरोमा डालना है, एरोमा पर क्लिक करिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन पर उसे अप्लाई करना है, फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चार्ज करेंगे तो आपको हो सकता है कि पहले पहली वाली एनिमेशन देखने के लिए मिले तो उस पर टैप करोगे तो फिर आपको नई वाली एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी जो MIUI 12 के साथ देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। तो एनिमेशन भाई चेंज कर दी गई है चार्जिंग वाली। अब यहाँ पर एनिमेशन से बात याद आई, जैसे आप फोन को अनलॉक करोगे ना तो आपको एनिमेशन ऐसी देखने के लिए मिलेगी MIUI 12 के अंदर, और ये काफी हद तक भाई मस्त लग रही है। साथ साथ जो रिसेंट टैब की एनिमेशन है वो भी एप्पल की तरह कर दी गई है, जैसे कि एप्पल के अंदर देखने के लिए मिलती है। और एप्पल की जो नई iOS की लीक आई थी उसमें बताया गया था कि MIUI 12 की तरह रिसेंट टैब होने वाला है और MI वालों ने ऐसा कर दिया, मतलब चल कह रहा है ये व्हाट इज एप्पल। तो यहाँ पर अभी हमें एप्पल की तरह रिसेंट टैब देखने के लिए मिलने वाला है, हालांकि हम अभी भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कर, बट अभी ये MIUI 12 के साथ ही देखने के लिए मिलेगा तो काफी मस्त मजा आने वाला है। अब यहाँ पर आइकन्स की और बात करें तो आप ब्राउजिंग आइकन्स देख सकते हैं, भाई बहुत मस्त कर दिए गए हैं। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आइकन्स होंगे वो एनिमेटेड आइकन्स होने वाले हैं कुछ इस तरीके के, मतलब नाचते कूदते। और हाँ, अगर आप कोई OLED पैनल वाला Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं तो मैंने एक लिंक प्रोवाइड करवाया APK का, उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी MIUI 12 के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे ना अलग अलग तरीके की, वैसी आपको के लिए मिलेगी यहां पर, और काफी खतरनाक है, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर ले MIUI 12 की और चीजों की, तो यहां पर जो मेन हाईलाइट होगी MIUI 12 की वो होने वाला है डार्क मोड, यहां पर 2.0 होने वाला है इस बार। और ये जो डार्क मोड है भाई काफी खतरनाक होने वाला है, लाइक जब आपने डार्क मोड अप्लाई कर दिया जो आपका वॉलपेपर है वो भी काफी हद तक उसका कॉन्ट्रास्ट लाइट जो है वो डल हो जाएगी और आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ जैसे आप दिन में यूज कर रहे हैं उस डार्क मोड को तो उसकी ब्राइटनेस वगैरह हाई हो जाएगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत मशक्कत ना करनी पड़े अपनी आंखों के साथ। और जैसे आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर अंधेरा है या लाइट कम है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई ये काफी अच्छी चीज है और 20 मोस्ट कॉमन यूज एप्लीकेशन के साथ भी कस्टमाइज करा गया है इनका डार्क मोड। तो भाई देखना होगा कि ये कैसा होने वाला है। बाय द वे, अभी जितनी भी लीक्स निकल कर आई हैं डार्क मोड को लेकर वो काफी खतरनाक है। अब बात करते हैं कैमरा UI की, तो कैमरा UI में जो UI है उसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। 5 कलर्स देखने के लिए मिले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें से किसी भी कलर को आप चूज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो कैमरा UI के अंदर हमें देखने के लिए मिलता था व्लॉग मोड वगैरह ये सारी चीजें, तो अभी आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, या तो आप स्क्रॉल अप कर दीजिए या लेफ्ट की तरफ चले जाइए दोनों तरफ से। तो भाई ये काफी ज्यादा शॉर्टकट कर दिया गया है। और ये बात है कि इस बार कस्टमाइजेशन के फीचर आपको MIUI 12 के अंदर भर भर कर मिलने वाले हैं। तो भाई MIUI 12 आपको पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, लास्ट चीज, यहाँ पर जो नेविगेशन जेस्चर है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं ये बताया जा रहा है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। बट अभी इसकी कोई ऐसी वीडियो वगैरह लीक नहीं आई, बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और अपना फेवरेट फीचर बताना MIUI 12 के बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस, और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा।